दर्शकों को पसंद आ रही है अक्षय और इमरान की जोड़ी। सेल्फी का ट्रेलर देखकर यूजर्स बोले अद्भुत। तो यार आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की अपकमिंग मूवी सेल्फी के बारे में। तो यार वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यार अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की मूवी सेल्फी का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है। और यार ट्रेलर जैसे ही स्टार्ट होता है तो अक्षय कुमार की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर मुझे तो बहुत मजा आया। और स्पेशली वो सीन जिसमें अक्षय कुमार चॉपर पर हाथ रखते हैं, मतलब यार कमाल का एक्शन दिख रहा है ट्रेलर में। और दूसरी तरफ एंट्री होती है इमरान हाशमी की, और इमरान हाशमी इस मूवी में पुलिस कॉप का रोल कर रहे हैं और साथ ही साथ वो अक्षय कुमार के भी बहुत बड़े फैन होते हैं और वो सेल्फी लेने के चक्कर में है कि कहीं से उन्हें मौका मिले और वो अक्षय कुमार के साथ सेल्फी ले लें। तो यार इसी के बीच एक कमाल का ट्विस्ट आ जाता है, वो ये कि जो अक्षय कुमार है ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं होता। तो यार फिर इमरान हाशमी अक्षय कुमार को कैसे पकड़ते हैं और कैसे अक्षय कुमार और इमरान हाशमी दोनों की नहीं बनती, तो यार बस ये सब देखने को मिलेगा इस मूवी में। यार इस मूवी के लिए मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दूं तो मूवी के अंदर जो एक्शन है, जो कॉमेडी है और साथ ही साथ जो एक्टिंग है अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की, तो यार मुझे तो दोनों बहुत जबरदस्त लगी। और मूवी की बजट लगभग 150 करोड़ है, लेकिन अगर बात करें स्टोरी लाइनअप की तो मुझे लगता है ऐसी स्टोरी हम पहले भी देख चुके हैं, गेस करो कौन सी। तो चलो मैं ही आपको बता देती हूँ। तो यार 15 अप्रैल 2016 को शाहरुख खान की मूवी फैन में भी कुछ ऐसी ही स्टोरी लाइन थी और सेल्फी में भी कुछ ऐसा ही है, बस थोड़ा घुमा के। और यार बात करें मूवी की कलर ग्रेडिंग की तो कलर ग्रेडिंग मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। बस जो चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी वो था मूवी का ट्रेलर। यार 3 मिनट का ट्रेलर कौन रखता है भाई, स्टोरी को थोड़ा सस्पेंस और थोड़े ट्विस्ट से दिखाते तो ज्यादा मजा आता। लेकिन चलो ये तो हमें 24 फरवरी को पता चल जाएगा कि मूवी कैसी है। तो दोस्तों अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो और मूवी का ट्रेलर कैसा लगा। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें।